नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमारा जो पाठ था मकड़ी का जाला, उसको हमने आधा ही किया था और आधा हम आज की कक्षा में पूरा करेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक चित्रकार की, यानी कि एक पेंटर की, जो कि बहुत ही अच्छा पेंटर था। जब वो पेंटिंग करता था, यानी कि जब वो चित्र बनाता था, तो उसके चित्र एकदम रियल लगते थे। ऐसा लगता था कि ये चित्र नहीं है, एक फोटोग्राफी की हुई है जिसमें कहीं कोई गलती नहीं होती थी, कोई मिस्टेक नहीं होती थी। खुद चित्रकार तो ढूंढ ही नहीं पाता था, लेकिन दूसरा कोई भी देखता था तो कहीं कोई गलती नजर नहीं आती थी। एक बार उसने ऐसा ही एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई उसने, और जो शहर का चौराहा है वहां पर ले जा करके उसने उसे रख दिया, और साथ में एक नोट भी लिख दिया कि इस चित्र में अगर किसी को कोई गलती नजर आए तो वहां पर एक लाल निशान लगा दे। उसने सबको उसमें, क्योंकि उसे कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी उस चित्र में, उस पेंटिंग में, तो उसने लोगों सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि कहाँ पर कोई मिस्टेक रह गई, तो मैं अपने आप को और सुधारू, मेरी पेंटिंग को मैं और सुधार लू। इसलिए उसने ऐसा किया, और चौराहे पे जब उसने अपनी पेंटिंग को रखा, साथ में एक नोट और एक लाल पेन रखा कि यहाँ पर इस चित्र में जहां पर भी किसी को कोई गलती नजर आए वहां पर उसे रेड डॉट लगा दिया जाए। शाम को वह वापस चौराहे पर गया और उसने अपनी पेंटिंग की तरफ देखा। उसे बहुत दुख हुआ। ये देखिए, उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसकी इसी तरह की एक हालत हो गई थी, यानी कि पूरी पेंटिंग रेड कलर के डॉट से ढक गई थी। सबने जगह जगह पर लाल निशान लगा दिए थे, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही थी। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं गलती नजर आई। अब शहर में कितने लोग होते हैं आप सोचिए, तो उनमें से कितने ही लोगों ने उसमें रेड डॉट लगाया होगा, तो पेंटिंग पेंटिंग बची ही नहीं, वह तो पूरी रेड डॉट से भर गई, लाल रंग के बिंदु से भर गई। अब चित्रकार बहुत दुखी हुआ, और शाम को जब वो घर गया तो अपने एक दोस्त के साथ में उसने डिस्कस किया कि मैंने इस तरह से एक पेंटिंग बनाई, उसमें कोई कमी नहीं थी, कहीं भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता था कि समाज के जो लोग हैं, या फिर मेरे जान पहचान के, या फिर मेरे शहर के जो लोग हैं, उनको इस चित्र में क्या कमी नजर आती है, वो मुझे जानना था। तो मैंने शहर के चौराहे पर जब मेरा चित्र रखा, यानी कि मेरी पेंटिंग रखी, तो उसमें लोगों ने इतनी कमियां निकाली कि वो चित्र, यानी कि वो पेंटिंग पेंटिंग ही नहीं बची। दोस्त ने कहा, तुम उदास मत हो जाओ, देखो कुछ ना कुछ राह जरूर निकलेगी। इस तरह से हमें लोगों के सोचने का तरीका और इन सब से हमें जानकारी मिलती है। तो आज तुमने इस तरह से लिखा तो तुम्हें ये रिजल्ट मिला है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से रख के देखेंगे। तो उसने एक चित्र बनाने को कहा कि एक फिर से एक अच्छा सा चित्र बनाओ, जिसमें कि हमेशा ही होता है कि तुम्हारे चित्र में कभी कोई गलती नहीं होती है, इस बार भी कोई गलती नहीं होगी, और फिर हम उसे अलग तरीके से लगाएंगे। चित्रकार ने एक दूसरा चित्र बनाया, उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। फिर से उसने चौराहे पर ले जा करके उस चित्र को रखा, और मित्र की सलाह पर उसने वहां पर थोड़े पेंट रखे, यानी कि कलर्स रखे, और ब्रश रखे, और साथ में एक नोट भी लिखा। नोट लिखा कि इस चित्र में अगर किसी को कोई कमी नजर आती है तो पेंट और ब्रश लेकर के प्लीज उसे सुधार दीजिए, यानी कि उसे अच्छा बना दीजिए जहां भी कहीं गलती नजर आए। शाम को जब वह चित्रकार, वह पेंटर चौराहे पर पहुंचा, उसका चित्र एज इट इज रखा हुआ था, किसी ने उस पर ब्रश
या पेंसिल या पेन कुछ भी नहीं लगाया था। बच्चों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब चित्रकार ने लोगों को पेन दिया और बोला कि आपको कहीं नजर गलती नजर आ रही है, वहां पर आप डॉट लगा दीजिए, लेकिन दूसरे नोट में उन्होंने लिखा कि जहां भी कहीं आपको गलती नजर आ रही है, आप उसे सुधार दीजिए, यानी कि आप मेरी मदद कीजिए मेरी गलती सुधारने में। तो लोगों ने क्या किया, गलती सुधारने के लिए आगे नहीं आए, लेकिन गलती निकालने के लिए लोग आगे आ गए। तो हमारे समाज में हम लोगों की यही धारणा होती है कि हम दूसरों की गलती जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन हमें अपनी गलती नजर नहीं आती है। जिस तरह से हमने देखा कि जब मकड़ी जाला बना रही थी, तो पहले उसे दोनों बिल्ली और चिड़िया ने उसका मजाक उड़ाया और दूसरी ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ से उड़ जाओ। तो मकड़ी दोनों की सलाह मान करके आधा अधूरा जाला छोड़ करके वह दूसरी जगह तलाश रही है ना। तो आइए आगे की कहानी हम पूरी करते हैं, और उसके पहले जान लेते हैं कि आज की कहानी में हमारे कौन कौन से पात्र थे, यानी कि कौन कौन से किरदार थे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मकड़ी ही थी, तो मकड़ी, फिर बिल्ली, चिड़िया, इनके बारे में हम दोनों के बारे में हम जान चुके हैं, और आज हम जानेंगे कॉकरोच और चींटी के बारे में। तो चींटी और कॉकरोच मकड़ी को क्या सलाह देते हैं और वो उनकी सलाह किस तरह से मानती है, उसको हम आज की कक्षा में देखेंगे चित्रों की सहायता से और कुछ वाक्यों की सहायता से पूरी कहानी को समझेंगे। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि मकड़ी है, वो दो बार जाला बना चुकी है और पूरा बना करके छोड़ चुकी है बिल्ली और चिड़िया की सलाह मान करके, और वो बहुत टायर्ड हो चुकी है, थक चुकी है, और उसे भूख भी लग रही है। इतनी देर हो गई है और भोजन के लिए ही मकड़ी अपना जाला बनाने वाली थी कि इसमें मक्खी और मच्छर फंसेंगे तो मैं उन्हें अपना आहार बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी, मजे से रहूंगी। लेकिन बिल्ली और चिड़िया की सलाह से वह दोनों जगह से अपना जाला बना हुआ छोड़ करके तीसरी जगह तलाशने के लिए आ गई है। तब तक वो बहुत थक चुकी है क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मेहनत भी बहुत जा चुकी थी, इसलिए उससे भूख भी लगने लगी थी। लेकिन क्योंकि जाला तो बुनना ही था, वरना वो कैसे अपना भोजन पाएगी, जाले में ही कोई मच्छर या मक्खी फंसेंगे तो उसी को वह खाएगी। आइए देखते हैं कि मकड़ी को अब एक अलमारी दिखी, खुली हुई अलमारी का दरवाजा दिखाई दिया, और अब वह वहां पर जाकर के, अलमारी में जाकर के उसने जाला बुनना शुरू किया, क्योंकि उसे भी एक अच्छे से कोना ही चाहिए था। और उसे जब अलमारी खुली हुई दिखाई थी, क्योंकि वो खिड़की का एक्सपीरियंस वो ले चुकी थी कि खिड़की से हवा आएगी तो उड़ जाएगी, कोना साफ सुथरा था, तो वहां पर भी वो जाला बनाने से मना कर दिया था कि यहाँ पर कोई मच्छर ही नहीं आएंगे। तो उसे लगा अब ये अलमारी का जो दरवाजा खुला हुआ है, मैं इसमें अपना एक जाला बना लेती हूँ। तो उसने जाला बनाना शुरू किया। उसने जाला बनाना शुरू किया और कॉकरोच आया। कॉकरोच उसे अचरज भरी निगाहों से देख रहा था, यानी कि ही वाज सरप्राइज कि क्या कर रही है। ये कॉकरोच का व्यू था, कॉकरोच अपनी नासमझ से उसे देख रहा था क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था। और उसे आश्चर्य क्यों हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अलमारी बेकार पड़ी है और थोड़े दिन बाद, आज तो ये यहाँ रखी हुई है लेकिन थोड़े दिन के बाद ही इसका जो मालिक है वो इसे बेच देगा और यह अलमारी किसी दूसरी जगह चली जाएगी, तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी, मकड़ी की मेहनत। ऐसा इसीलिए कॉकरोच को सरप्राइज हो रहा था, और उसने मकड़ी को सलाह दी कि ये तुम क्या कर रही, यहाँ भी तुम्हारा जाला बनाना एकदम बेकार है, क्योंकि जब यह अलमारी बेच दी जाएगी तो यह अलमारी कहीं दूसरी जगह चली जाएगी और तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तुम्हारा जाला बनाना भी एकदम वेस्ट चला जाएगा। मकड़ी ने उसकी भी सलाह मान ली और वहां से हट जाना उसे बेहतर लगा, और वो वहां से हट गई। अब तो जब यहाँ जाला बना रही थी तभी वह थक चुकी थी,
और अब जाला पूरा करने के बाद जैसे ही उसने कॉकरोच को देखा और कॉकरोच ने भी उसे कहा कि यहाँ तुम्हारा जाला बनाना बेकार है, तो अब वो क्या, अब तो और भी थक गई थी। तो अब उसे बहुत जोर से भूख लगी थी और बुरी तरह से थक के एकदम चूर हो चुकी थी। अब वो थकी किस लिए थी, क्योंकि वो बहुत बार जाला बना चुकी थी, बहुत बार प्रयास कर चुकी थी, वो इसलिए थक गई थी। और भूख की वजह से भी परेशान थी। अब उसे खाना चाहिए था, थोड़ी एनर्जी चाहिए, तभी वह जाला बना सकती है। तो अब उसने सोचा कि मैं किसी से मदद ले लेती हूँ। मदद के लिए उसे एक चींटी दिखाई दी। तो उसने चींटी से थोड़े से भोजन का आग्रह किया, यानी कि चींटी मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो ताकि मेरे में थोड़ी एनर्जी आए, तो मैं दूसरा अपना एक और जाला बनाऊं रहने के लिए भी और खाने के लिए भी। लेकिन चींटी ने क्या बोला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पाठ शुरू करने से पहले ही आप लोगों से कहा था कि चींटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे छोटा जो जानवर है, जिंदा जानवर, वह धरती पर चींटी ही है शायद, और चींटी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अभी चींटी ने मकड़ी को क्या कहा है, देखिए ये बहुत ही जरूरी है बच्चों, आप जरूर इसे अपने जीवन में भी उतारिए और इससे बहुत कुछ सीखिए आप। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती थी और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती थी। जानती हो, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी हालत ऐसी ही होती है, उनकी यही हालत होती है जो कि तुम्हारी हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा ना चींटी ने। देखिए एक बार फिर से पढ़िए इसे, कि मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती थी और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती थी। जानती हो, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और चींटी वहां से चली गई उसको सलाह दे करके, क्योंकि अगर वो उसे भोजन देती तो वह आराम करती, खाती और फिर से किसी और की अनावश्यक सलाह लेकर के फिर से वो अपना काम अधूरा छोड़ देती। इसलिए चींटी ने उसे सबक सिखाने के लिए और उसे एक अच्छी सी सलाह दे करके उसे फिर से अपने काम में जुटने के लिए छोड़ दिया, उसे भोजन नहीं दिया। अब मकड़ी को समझ में आया कि मैं क्या कर रही थी, एटलीस्ट मुझे कहीं पे जाला बना करके थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था, क्या पता वहां कोई मक्खी मच्छर आते, मैं भोजन करती और फिर मैं दूसरी जगह तलाश लेती। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने वो जगह छोड़ करके ही मैं आ गई। तो मकड़ी को अब तक समझ में आ गया और अब उसने सोचा कि अब मैं किसी की भी अनावश्यक सलाह को नहीं मानूंगी और अपना काम करूंगी। पहले अपना काम करूंगी, अपना दिमाग लगा करके अपना काम करूंगी, फिर मैं कुछ भी किसी दूसरे से बात करूंगी। है ना बच्चों, ऐसा ही होना चाहिए। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए किसी की भी सलाह मानने से पहले। आइए अब हम इस पाठ में, इन पंक्तियों में जितने भी शब्द आए हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला है आहार यानी कि भोजन, अचरज यानी कि आश्चर्य और हैरानी, आग्रह निवेदन, अनावश्यक गैर जरूरी। बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आहार भोजन अचरज आश्चर्य या फिर हैरानी आग्रह निवेदन अनावश्यक गैर जरूरी। अब बच्चों हम थोड़ी सी भाषा और व्याकरण करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी किया था विलोम शब्द, तो जो दो तीन विलोम शब्द बचे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अब जो नीचे दिए गए विलोम शब्द हैं, शब्द लिखे हैं, उनके हम विलोम शब्द लिखेंगे। तो सबसे पहला है जवाब, जवाब का विलोम शब्द होगा सवाल। अगला है अधूरा, अधूरा का विलोम शब्द होगा पूरा। परेशान, इसका विलोम शब्द होगा यानी कि अपोजिट होगा हैरान। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, परेशान जवाब सवाल, अधूरा पूरा
पूरा परेशान हैरान। बच्चों, भाषा और व्याकरण से आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक और हमने लिया है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में आया है, विशेषण और विशेष्य। तो ये दोनों रिलेटेड हैं, दोनों को रिलेटेड हैं। कैसे, आइए मैं बताती हूँ आपको। पहले विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं और विस्तार से तो हम अपनी ग्रामर बुक में, जब हम ग्रामर का पाठ करेंगे, तभी हम बहुत बड़े तरीके से, यानी कि विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी छोटा सा, थोड़ा सा जो पाठ में आया है वो हम करते हैं। विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, वैसे ही हिंदी में, यानी कि नेमिंग वर्ड्स की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हाँ, ये सर्वनाम भी हो सकते हैं, सर्वनाम की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे शानदार कार, तो कार है संज्ञा और उसका विशेषण है शानदार। इसी तरह से पके हुए चावल, यानी कि चावल है संज्ञा लेकिन पके हुए उसका विशेषण, यानी कि ये दोनों जो रंगीन शब्द शब्द हैं, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, कार की और चावल की, इसलिए ये शब्द हुए विशेषण। आइए थोड़े और चित्र और विशेषण, इनको और अच्छी तरह से जान लेते हैं शब्दों से और चित्रों से। जैसे कि नमन ने दो केले खाए, तो दो है विशेषण और केले है संज्ञा। यहाँ पर है अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे हो गया विशेषण। अब हम जान लेते हैं विशेष्य की परिभाषा। विशेष्य वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे संज्ञा या सर्वनाम। जैसे ये फूल है, तो फूल है संज्ञा। अब इसकी विशेषता हो गई, कुछ भी बताया गया है तो वो हो गया विशेषण, लेकिन ये यहाँ पर विशेषण के साथ में फूल हो गया विशेष्य। लाल है इसकी, इसका विशेषण, और फूल जो है वो है विशेष्य। जैसे यहाँ पर है भूखा शेर, तो शेर भूखा है लेकिन शेर तो संज्ञा है, शेर संज्ञा है और भूखा इसका विशेषण है। तो इसमें अगर हम विशेष्य ढूंढने जाएंगे तो शेर हो गया विशेष्य। इसी तरह से और जान लेते हैं कि उदिता के हाथ कोमल है, तो यहाँ पर हाथ जो आया है वह हो गया विशेष्य। कमरा साफ सुथरा है, यानी कि कमरा हो गया विशेष्य और साफ सुथरा उसका विशेषण। इसी तरह से जैसे सर्वनाम के लिए मैं बता रही थी, यह गुब्बारा रूपा का है, तो यह हो गया विशेष्य। उसका घर उधर है, उसका है विशेष्य। अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको चित्रों और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाऊं। आइए अब इसी की थोड़ी सी जो टेक्स्ट बुक में आपके लाइनें हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए विशेषण छांट करके, जो शब्द हैं उनमें से विशेषण और विशेष्य हमें छांट करके लिखना है। तो ये सारे शब्द हैं जिन्हें हमें छांट करके लिखना है, जैसे सलाह, जाला, अधूरा, गैर जरूरी, कोना, बेकार, साफ सुथरा, अलमारी। इन्हीं सबको हमें अलग अलग करना है, विशेषण को और विशेष्य को। तो हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक विशेषण का और एक विशेष्य का, और इसमें एक-एक शब्द हम डालते जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम डालेंगे अधूरा जाना, दूसरा है बेकार अलमारी, साफ सुथरा कोना, गैर जरूरी सलाह। आइए एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं, अधूरा जाला, बेकार अलमारी, साफ सुथरा कोना, गैर जरूरी सलाह। अब हम आगे चलते हैं और अब हम थोड़े से जो क्रियापद हैं उन्हें भी चेंज करके लिख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके ये है और इसे सॉल्व कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, और आप भी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। सबसे पहला है, मकड़ी सोच रही थी कि वह कीड़े
मक्खियों को अपना आहार, यहाँ पर क्रिया शब्द आपको डालना था, वह आएगा बनाएगी। मैंने रंगीन शब्द में लिखा है, रंगीन छापा है, आप समझ जाएंगे। तो दूसरा है, मकड़ी ने सबकी अनावश्यक सलाह मानी, इसलिए उससे परेशानी सहनी पड़ी। ग, चींटी अपने रास्ते चली गई, गई है क्रिया शब्द। अब है लास्ट वन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस तरह से ये क्रिया शब्द, क्रियापद हमने भर लिए। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट में जो आया है मेरे विचार से, उसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम कक्षा में होते तो हम सबसे इस बारे में बातें करते, लेकिन क्योंकि कक्षा में नहीं है इसलिए थोड़ा सा बात करना जरूरी है कि जैसे पाठ में अनावश्यक सलाह मानने से मना क्यों गया है, क्यों किया गया है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको ये पढ़ना है कि अनावश्यक सलाह यानी कि अपोजिट है, आवश्यक सलाह मानने के लिए मना नहीं किया है, क्योंकि आवश्यक सलाह हमें माननी ही पड़ती है। यहाँ पर कहा गया है कि अनावश्यक सलाह मानना जरूरी नहीं है, उससे हमारा नुकसान होता है, क्यों मना किया है ये हमें आंसर करना है। तो ये इसलिए किया गया है पाठ में गैर जरूरी सलाह को मानना, क्योंकि इससे हमें नुकसान ही होता है, समय का भी नुकसान होता है, हमारी मेहनत भी चली जाती है और हमें उसका कोई परिणाम ही नहीं मिलता है। इसीलिए अनावश्यक सलाह, गैर जरूरी सलाह, यह मानने के लिए मना किया है, इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं कि आज हमने क्या जाना, पिछली कक्षा में आपने क्या जाना था, आप उसे जरूर अपने जीवन में शामिल कीजिएगा, और आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फैसले खुद लेना, यानी कि आप अपने फैसले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जरूर सही रहते हैं। दूसरा है, चींटी की जो बात समझाई थी चींटी ने मकड़ी को, वह बात बहुत सही थी, है ना? क्योंकि अगर आप किसी की सलाह मान करके ही काम करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, फिर आपको दूसरों से भोजन मांगना पड़ा, जैसे मकड़ी को चींटी से भोजन मांगना पड़ा क्योंकि वह भूख से बेहाल हो गई थी, मेहनत कर रही है लेकिन फिर भी उसके पास खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अनावश्यक सलाह पर अमल करती जा रही थी, मानती जा रही थी, इससे उसका टाइम भी खराब हो रहा था और उसकी मेहनत भी बेकार जा रही थी। अब है अगला, पिछले बार हमने कहा था कि किसी की हंसी उड़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन एक चीज और है, दूसरों की हंसी उड़ाने या उनकी गैर जरूरी सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो उस पर भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? क्योंकि कभी कभी अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमारे मन में हीन भावना आ जाती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारे ऊपर हंस रहे हैं लोग, हम ऐसा करें या ना करें, लेकिन नहीं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको जो सही लगता है वह काम जरूर करना चाहिए। बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा यह आप मुझे जरूर बताइएगा, और जाने से पहले आपको होमवर्क दे देती हूँ। आज का होमवर्क है, बहुत आसान है, सूझबूझ से लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप लिखिएगा, अगर आप मकड़ी की जगह होते तो जाला बुनने के संबंध में क्या निर्णय लेते? बहुत आसान है बच्चों, आपका अपना निर्णय होना चाहिए ये प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। जैसे कि मैं बता देती हूँ कि अगर मैं मकड़ी की जगह होती तो जाला बुनने के संबंध में मेरे खुद के विचार होते, मतलब मैं खुद डिसाइड करती कि मुझे जाला कहाँ बुनना है, और मैं बिल्ली के हंसी उड़ाने पे, चिड़िया के कहने पे कि हवा में तुम उड़ जाओगी, मैं उन सब बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती। और हाँ, जाला बनाने से पहले मैं भी सोच लेती कि मुझे जाला कहाँ बनाना है, जगह मैं पहले डिसाइड कर लेती, यूं ही कोई भी खाली जगह देख करके मैं नहीं करती, मैं पहले जगह देखती और फिर वहां पर जाला जरूर बना लेती, किसी की भी अनावश्यक सलाह मैं नहीं मानती। आपके क्या विचार हैं और आप इस उत्तर को किस तरह से लिखोगे, मुझे जरूर देखना है। धन्यवाद बच्चों,
आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।